करतला थाना इलाके के चारमार इलाके में फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। शादी के कार्यक्रम से बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे एक परिवार को ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना को अंजाम देने के बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दरअसल करतला के चारमार के रहने वाले लक्ष्मण राठिया का परिवार पिछले दिनों शादी समारोह में शामिल होने ग्राम धौराभाठा गया हुआ था, जहां से लक्ष्मण अपनी पत्नी गायत्री और दो बच्चे लोकेश और विनय के साथ बाइक पर सवार होकर ग्राम चारमार लौट रहे थे। शनिवार शाम करीब 7 बजे वह गांव के बाहर पहुंचे ही थे कि विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार ठोकर मार दी। टक्कर के बाद पत्नी गायत्री और बेटा विनय दूर जा छिटके, जबकि बाइक चला रहा मुखिया लक्ष्मण और बेटा लोकेश ट्रैक्टर की चपेट में आकर मौके पर ही निढाल हो गए। सभी घायलों को देर शाम ही निजी वाहन से कोरबा कोसाबाड़ी के एक निजी अस्पताल और फिर ट्रामा सेंटर भेजा गया। ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद लक्ष्मण और बेटे लोकेश को मृत घोषित कर दिया। ट्रामा सेंटर में पत्नी गायत्री और बेटे विनय का इलाज जारी है। दोनों को मामूली चोटें पहुंची हैं। वहीं इस हादसे को अंजाम देने वाला ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। गांव वालों के मुताबिक ट्रैक्टर चलाने वाला चैनपुर गांव का रहने वाला गणपत बघेल है। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है।